My son sacrificed his life to save me. दोस्तों 10 बवाल हॉलीवुड हॉरर एक्शन थ्रिलर मूवीज के नाम बताता हूँ जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। Mighty. तो हमारे पहले नंबर पे जो मूवी है अवतार 2। पार्ट 2 की जो कहानी है वो पेंडोरा की डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के साथ साथ जैक सुली की फैमिली बॉन्डिंग को प्रेजेंट करती है। क्या थ्रिल्स है, कैसे इन सभी से सर्वाइव करेगी, इन सभी के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। Hey Toronto, you ready to go back to work? तो हमारे दूसरे नंबर पे जो मूवी है द मैन फ्रॉम टोरंटो। इसके अंदर एक बंदा होता है जो काफी लूजर टाइप सा होता है। वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे द मैन फ्रॉम द टोरंटो पहुंचना था। द मैन फ्रॉम टू टोरंटो काफी बड़ा ऐसी स्टेट, पर उसकी जगह वो लूजर सा बंदा पहुंच जाता है और उसके बाद उस बंदे के लाइफ में कौन सा तूफान आता है ये तो भाई मूवी देख के जानो। Now, I kneel before no one. तो हमारे तीसरे नंबर पे जो मूवी है इस साल की बवाल एक्शन मूवी ब्लैक एडम। इस मूवी के अंदर किसी के एक और सुपरस्टार देखने मिलेगा जो कि एक्चुअली हीरो तो नहीं है, एक एंटी हीरो होता है। इस मूवी में दिखाई जाती है किस तरह उसको पावर मिलता है और क्या कुछ करता है। इसके लिए भाई मूवी देखो। तो भाई हमारे नंबर 4 में जो मूवी है केस 39। माँ बाप अपनी ही बच्ची को नर्क में भेजने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदती है। वो तो पुलिस टाइम पे आ जाती है और दोनों को जेल भेज देती है। और लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने हीरोइन पर, एक ऐसी पावर जो रात में जगा के नर्क दिखाती है। ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, इसके लिए भाई मूवी देखो। नंबर 5 इट। ये मूवी 2016 को आई थी। इस मूवी के अंदर एक छोटा सा इलाका दिखाया जिसके अंदर एक क्लाउन होता है और वो क्लाउन कुछ बच्चों को धीरे धीरे गायब कर रहा है। अब बच्चे अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है ये भाई मूवी देख के जानो। नंबर 6 में जो मूवी है हैचिंग। ये मूवी 2022 को आई थी। इस मूवी में एक लड़की को जंगल में एक अंडा मिलता है। वो उस अंडे का ख्याल रखना चालू करती है और फिर धीरे धीरे वो अंडा बड़ा हो जाता है। फिर वो अंडा जब फूटता है तो उसके अंदर से कुछ ऐसा निकलता है जो कि उसने क्या आप भी कभी उम्मीद नहीं कर पाओगे। क्या चीज है मूवी देख के जानो। This process might seem overwhelming. दोस्तों नंबर 7 में जो मूवी है बारबेरियन। इस मूवी की कहानी है टेस नाम की लड़की के बारे में जो कि दूसरे शहर जाती है एक नौकरी की वजह से और वहाँ पे एक रूम रेंट पर लेती। पर मूवी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब उसको पता चलता है उस रूम के अंदर पहले से कोई रह रहा है। कौन है, क्या है, मूवी देख के जाओ। तो हमारे नंबर 8 में जो मूवी है दी मेनू। इस मूवी की कहानी है एक कपल्स को लेकर जो कि ट्रेवल करता है कुछ लोगों के साथ एक सुनसान आइलैंड पर और उस आइलैंड पे एक रेस्टोरेंट होता है जो कि कुछ अलग ही तरह के डिश प्रस्तुत करता है। अब क्या क्या डिशेस है और उसके अंदर हॉरर क्या है मूवी देख के जाओ। नंबर 9 लाइट्स आउट। ये मूवी 2016 में आई थी और भाई ये मूवी सीरियसली बहुत डरावनी है। इस मूवी का हॉरर एलिमेंट्स काफी डरावनी है। इस मूवी में एक घर के अंदर एक स्पिरिट घूम रही होती है जो कि भाई लाइट्स ऑफ होने के बाद ही दिखाई देती है। धीरे धीरे वो स्पिरिट घर में रहने वाली सदस्यों को मारती जाती है। अब ऐसा क्यों करती है और कैसे करती है ये आप मूवी देख के जाओ। नंबर 10 ऑर्फिन। भाई ऐसी मूवी शायद ही आपने कभी देखी होगी। मूवी में दिखाई गई है एक कपल ऑर्फेन में जाती है एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। वहाँ पे एक बच्ची नॉर्मल दिखती है, एक बच्ची काफी इंटेलिजेंट दिखती है। वो पियानो बजा लेती है, पेंटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है। फिर वो कपल उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन जब उसको घर पे ले आती है उसके बाद जो होता है दिमाग घूम जाएगा आपका। एक बार जरूर देखना ये मूवी।